पहले परिचय दे दे बाबू से। मेरा नाम है हाजी ताजुद्दीन ताहिर, प्रेसिडेंट गुद्दाम रोजा कमेटी, ताजमहल आ गया। आज मतलब यहाँ जो 500 मीटर के दायरे के अंदर जो गवर्नमेंट की तरफ से आदेश आया, उसके विषय में क्या कहना है? देखिए, 500 मीटर के अंदर जो एक कोर्ट ने आदेश किया है, एक रिट दाखिल कर दी किसी सरपरे ने कोर्ट को गुमराह करने के लिए। कोर्ट को गुमराह किया गया और एक रिट दाखिल करा के अपने फेवर में कर लिया गया। कोर्ट को ऑर्डर करने से पहले 500 मीटर का दायरा ADA से मंगवाना चाहिए था, चेक करना चाहिए, नक्शा बनवा के फिर ऑर्डर करना चाहिए और अपनी एक टीम गठन करके भेजनी चाहिए थी ताजगंज 500 मीटर के एरिए में, और उसका सर्वे करते तो इससे पता चलता कितने लोग अफेक्टेड हो रहा है, कितने लोग इसके अंदर परेशान होंगे। लेकिन ऐसा ना करने के बाद एक स्पार्टी ऑर्डर हो गया, एक तरफा ऑर्डर हो गया, लिहाजा यहाँ के लोग परेशान हो गए और अभी भी बहुत परेशान हैं। फिर भी हम लोग इस कानूनी प्रक्रिया को कानूनी प्रक्रिया से ही जवाब देंगे। हम लोग पूरे ताजिन के समस्त 500 मीटर वाले निवासी एकत्रित हो चुके हैं और एकत्रित हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और राष्ट्रपति के बारे में अपनी मर्जी लगाएंगे। और लेकिन इस फैसले के जो गुमराह किया गया उसको हम लोग कोर्ट में जाके कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को ये दिखाएंगे कि कितने लोग प्रभावित हो चुके हैं और कितने लोग हो रहे हैं। इस सिलसिले में यहाँ पर एक बहुत बड़ी सभाएँ 2-3 हो चुकी हैं, मीटिंग हो चुकी है और कमेटी गठित हो चुकी है। पूरे 500 मीटर के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं और सब अपने अपने धार्मिक स्थानों पर बैठ बैठ के सबके लिए दुआ कर रहे हैं। कोई रोज़ा रख रहा है, कोई अपने व्रत रख रहा है, कोई चर्च के अंदर दुआएं मांग रहा है, कोई गुरुद्वारे में दुआएं मांग रहा है कि 500 मीटर के अंदर आदमियों को परेशानी नहीं हो। हम लोग हमारी जो कमेटी तय करती है और जो करेगी, हम उसी के संग रहेंगे और इसके संग संग जो गुमराह किया गया उसका जवाब देंगे। केंद्रीय मंत्री नाम बताइए। मेरा नाम नंदकिशोर राठौर। तो राठौर जी, ये जो 500 मीटर के दायरे में ताजमहल के लिए जो ऊपर से तो रोजगार बचाना चाह रहे हैं अपना, बस यही चाहिए हम और कुछ नहीं चाहिए हमारा। कब से दुकान है आपकी? वो हो गई समथिंग 38 साल करीब दुकान है आपकी। हाँ, दुकान होगी। तो आप किसी यहाँ पे किसी अधिकारी से और किसी मंत्री से आपने मुलाकात करी? मुलाकात हो रही है, सब बातचीत चल रही है सबके साथ। तो क्या कह रहे हैं वो? आश्वासन दे रहे हैं। आश्वासन दे रहे हैं कुछ हो सकता है और ये पहले भी कभी मैं तो पहली बार पहली बार आपने जानकारी तो अगर अगर जैसे कि आश्वासन दे दिया, अगर वो बात आपकी पूरी नहीं होती है तो इसको आप किस इस मैटर को आप कोर्ट का जवाब कोर्ट से दे जाएगा, कोर्ट तक लेके जाओगे। परिचय जब नाम बताओ। मेरा नाम फरमान है। फरमान जी, जो 500 मीटर का दायरा जो चल रहा है दुकानों का, जी जी, क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि हमारा रोज़गार जा रहा है और हमारे ज़मीन निकल गई है, हमारी बिल्कुल ज़मीन निकल चुकी है और रोज़गार जा रहा है। हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। हम जो काम करेंगे वो कानून के दायरे में रह के करेंगे और सारी चीज़ें हम कानून के जो कानून के रखवाले हैं उनके पास भी जाएंगे। इस चीज़ को लेकर हम राष्ट्रपति तक जाएंगे और गुहार लगाएंगे कि हमारा रोज़गार रोका जाए। और ऐसे लोग भी हैं यहाँ, वो बहुत स्थिति डाउन है उनकी, रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, कल का कोई पता नहीं रोटी बनेगी नहीं बनेगी। ऐसे लोग भी हैं यहाँ मौजूद हैं, उनकी भी दुआएं हमारे काम आएंगी, उनकी भी दुआएं हमारे रंग लाएंगी और ज़रूर काम होगा हमारा। और हमारी उम्मीद है सर्वोच्च न्यायालय से कि वो हमारा फैसला ज़रूर सुनेगी। तकरीबन अंदाजा कितनी दुकानें होंगी 500 मीटर के दायरे में? 500 मीटर के दायरे में करीब 10,000 के एस्टिमेट दुकानें हैं। 10,000 जी, अगर दुकानें बंद हो जाती हैं तो कम से कम इसमें लाखों लोगों का रोजगार खत्म, 1.25 लाख लोगों का रोजगार इसमें बिल्कुल जा रहा है, बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा। भूखे मरने की नौबत आ जाएगी और भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। मैंने आपको गुहार लगाई है? और गुहार हमने लगाई नहीं है, लगाएंगे, अभी हम लगाएंगे और लगा रहे हैं, लगे हुए हैं, जैसा भी होता है कोशिश बहुत कर रहे हैं, जैसा भी हो। हम कानून मंत्री से भी मिले थे, SP सिंह बघेल जी से, उन्होंने भी आश्वासन दिया है और आगे भी हम कोशिश जारी रहेगी।